स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से वट सावित्री व्रत वड़मावस जो कि ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को पड़ती है, प्रत्येक वर्ष जो है उसको वट सावित्री व्रत भी कहा जाता है, स्थानीय भाषा में वड़मावस भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ प्रत्येक जो त्यौहार है सनातन संस्कृति में, हर त्यौहार का अपना अलग ही महत्व है और बहुत अच्छा महत्व है, अच्छा महत्व बताया गया है। कोई भी पर्व, कोई भी व्रत ऐसा नहीं है जो खाली हो। हर व्रत के पीछे, हर पर्व के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ऐसी परंपराएं जुड़ी हुई हैं जो शास्त्र सम्मत भी हैं और उनका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। जैसे वट सावित्री का व्रत है, तो ये जो वट सावित्री का व्रत है ये सत्यवान और सावित्री से संबंधित है, उनको समर्पित। करीब करीब सभी लोग जानते हैं कि इसी व्रत के प्रभाव से, इसी व्रत के पुण्य से उन्होंने अपने पति की रक्षा, पति के प्राणों की रक्षा की थी। उनकी आयु इतना ज़्यादा शेष नहीं थी, फिर भी इस व्रत का ही प्रभाव था, वट सावित्री व्रत का ही प्रभाव था जिसके प्रभाव से यमराज के द्वारा उन्होंने अपने पति के प्राणों को वापस लिया। तो कहने का अर्थ ये है कि किसी व्रत को अगर किया जाता है तो उससे मिलने वाला जो फल है, अगर सही समय पर सही तरीके से किया जाए तो और भी अच्छा रहता। जैसे इस बार जो वट सावित्री का व्रत है इसका संयोग दो दिन बन रहा है। ध्यान रखने वाली बात है, 29 मई 2022 को और दूसरा 30 मई 2022। लेकिन अगर शास्त्र की मान्यता के अनुसार देखा जाए, शास्त्रोचित ढंग से देखा जाए, तो इस बार ये व्रत 29 मई को करना उचित रहेगा, क्योंकि जब अमावस्या सूर्यास्त से पहले त्रिमुहूर्त व्यापिनी होती है तो उसी दिन ये व्रत करना ज़्यादा उचित होता है। इस बार 29 मई को अमावस्या तिथि जो प्रारंभ हो रही है दिन में करीब 2:55 अपराह्न को प्रारंभ हो रही है और पूरे आधा दिन, पूरी रात रहेगी। अगले दिन लगभग 5 अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। 30 मई को 5 लगभग अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय से 3 पहले ही अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए इस व्रत को 29 तारीख को करने के लिए पंचांग में सलाह दी गई है कि 29 तारीख को ये व्रत करना ठीक रहेगा। जबकि इसी दिन शनिश्चर की जयंती होती है और इस बार सोमवार का दिन पड़ रहा है, 30 तारीख को सोमती अमावस्या का भी संयोग है और बड़ी अच्छी बात है कि लगातार 2 अमावस्या का पूजन हो पाएगा। तो सोमती अमावस्या का भी संयोग बन रहा है और शनिश्चर जयंती का भी संयोग बन रहा है और ये 30 मई 2022 को बन रहा है। लेकिन जो व्रत की अमावस्या है, व्रत करने के लिए जो शास्त्र सम्मत है वो 29 मई को ये करना उचित रहेगा। मित्रों, इस व्रत को कैसे किया जाए, करने से क्या लाभ होता है, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने योग्य हैं, इनको जानना चाहिए। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां, कुंवारी कन्याएं, खास करके जिनकी कुंडली में मंगलिक दोष या वैधव्य दोष इस तरह का कोई दोष होता है तो उन्हें
विवाह से पूर्व कुंभ विवाह इत्यादि कराने की जरूरत पड़ती है या विवाह में व्यवधान आते हैं, वैधव्य योग होता है, तो उनके लिए, उन कन्याओं के लिए यह व्रत सबसे उत्तम व्रत है और बड़ा ही सरल है। इस दिन जिस तरह से कुंवारी कन्याएं सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत रह करके वट के वृक्ष की पूजा करती हैं, उस पे जल अक्षत पुष्प धूप दीप चढ़ा करके मिष्ठान और फल का भोग लगा करके और इसके बाद में कच्चा सूत लपेटते हुए 108 परिक्रमा करनी चाहिए वट वृक्ष के पेड़ में, और 108 परिक्रमा करते हुए अखंड सौभाग्य पति की दीर्घायु की कामना करनी चाहिए। इसी तरह कुंवारी कन्याओं के लिए भी है कि उनको ये व्रत करके और अपने सुयोग्य वर प्राप्ति की कामना करनी चाहिए, सुयोग्य वर की प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस तरह करने से कुंडली में आया हुआ व्यवधान जिसके कारण विवाह में विलंब हो रहा है या मंगलिक दोष है उसके कारण विवाह में व्यवधान हो रहा है या कुंडली में प्रबल वैधव्य दोष है, तो ये सब दोष समाप्त हो जाते हैं। साल भर में ये समय एक वर्ष के लिए आता है। इस दिन जलपात्र पंखा सत्तू मिष्ठान फल छत्री उपाना ये सब चीज़ें दान करने का विशेष महत्व होता है। सबसे पहले तो वट वृक्ष के पेड़ के नीचे उस पर जल चढ़ा करके चंदन इत्यादि से उसका तिलक करें और नाना प्रकार के व्यंजन उस पर अर्पण करें और फिर कच्चा सूत लपेटते हुए 108 परिक्रमा करें। ये पूजन की प्रक्रिया है, पूजन का विधान इस तरह से करना चाहिए और इसके बाद में इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। वट वृक्ष के पेड़ में तीनों देवताओं त्रिदेवों का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है, तो अगर वट वृक्ष की पूजा की जाती है तो एक साथ ही तीनों देवताओं की पूजा हो जाती है, ऐसा करना चाहिए। इस बार बड़ा सुंदर बड़ा उत्तम संयोग बन रहा है कि लगातार दो दिन तक पूजा की जा सकेगी और अगले दिन जो 30 मई को है उस दिन सोमती अमावस्या का भी संयोग बन रहा है, तो स्नान और दान का विशेष महत्व होगा। सामान्य दिनों की अपेक्षा किए गए दान की अपेक्षा इस दिन सोमती अमावस्या के दिन किए गए दान का पुण्य जो है वो हजारों गुना लगभग अधिक होता है। तो इस तरह से इस व्रत को स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए कर सकती हैं और कुंवारी कन्याएं जो है अपने सुयोग्य वर की प्राप्ति की कामना के लिए कर सकती हैं। इस व्रत को करके इसका लाभ ज़रूर लेना चाहिए। अगर इस विषय में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमें कमेंट में लिख करके हमसे उस विषय में बात कर सकते हैं, कोई शंका समाधान हो तो उस पर वार्तालाप कर सकते हैं और इस तरह उसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।